वेल फिर फॉलो करना की बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने हमें पहले भी इंफ्रारेड थर्मामीटर दिया जिससे हमें स्क्रीन करने में बड़ी आसानी हुई, और आज आप दूसरी बार हमें दे रहे हैं कुछ मास्क और सैनिटाइजर भी, तो हम आपके तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जैसे हमारी मदद कर रहे हैं कहीं भी डिजास्टर हो इंशाल्लाह आप करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो लेट अस होप कि अल्लाह ताला आपको ग्रो करे और इसका सिला आपको दे। रूम वेलफेयर फॉर्म करना का कि जिन्होंने आज हमें सैनिटाइजर और मास्क दिए हैं जो यूज़ किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर जो डिग्री कॉलेज टंगदार में इस्टेब्लिश किया गया है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स के पास ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सैनिटाइज़र और मास्क की बहुत कमी है, और लोग आगे आके काम करने में भी बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, वो सेफ़ नहीं महसूस करते हैं कि लोगों की मदद की जा सके। ऐसे हालात में वेलफेयर फॉरम करना ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हॉस्पिटल को दिए हैं या क्वारंटाइन सेंटर पर दिए हैं, हम इसका बहुत बहुत खुशी का इजहार भी करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िला के अंदर हैं तो यहाँ इसको रेड जोन करार दिया गया है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ को यहाँ क्वारंटाइन के लिए रखा गया हुआ है, तो हमें आज वेलफेयर फॉरम की तरफ से एक संदेश आया, एक कॉल आई कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो इस वक्त हम उसी सिलसिले में यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं यहाँ इस वक्त बागविला का सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ, तो हम वेलफेयर फॉरम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमेशा ही कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो कुछ भी हो तो ये मदद करते हैं। तो मेरी आवाम से यहाँ के लोगों से ये अपील होगी कि वो घरों के अंदर रहें, बाहर ना आए, कोई भी उनकी मजबूरी होगी हम उनके लिए खड़े हैं, हम तो उनकी खिदमत के लिए। वेल फॉरम वाले भी बोल रहे हैं कि हम उन वो कहते हैं कि हम तक अगर कोई कोई चीज़ इनको ज़रूरत होगी हम इनको घर में पहुँचा देंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है एस टीम साहब हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनका भी यही कहना है, उनका भी यही हुक्म है हमें कि इनको हदायत दी जाए घरों के अंदर रहें, बाहर न घूमें, ताकि इस चैन को तोड़ के रखा जाए। तो उसी सिलसिले में हम इस वक्त यहाँ आएँ, तो हम वेलफेयर फोरम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।